सबसे पहले हम अपने शिक्षकों को बता दें, बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते रहे हैं, पहले से बताते रहे हैं, लोगों की भावना थी, लोग सुझाव और सलाह दे रहे थे कि ऐसा किया जाए, तो हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। मामला जो हाईकोर्ट में गया है, हम पूरा डिटेल बता देते हैं। बिहार सरकार ने 18/8/21 को, 2021 की बात है ये, 24 अब लगभग मामला 2.5 साल पहले का, तो 18/8/21 को अधिसूचना संख्या 857 के माध्यम से बिहार राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2021 जारी की। नियमावली जारी किस चीज़ की गई? प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के बहाली के लिए निकाली गई और पदों की संख्या 40,506 निर्धारित की गई। 40,506 प्रधान शिक्षक के पद तय किए गए और यह बहाली होनी थी प्राइमरी स्कूल में। और इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी, जैसे उसमें था कि प्रशिक्षित के रूप में 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव और भी कई सारी चीज़ें थी, जिसको लेकर हम लोग हाईकोर्ट चले गए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो आपका रूल है इसको हम केवल ड्राफ्ट रूल मानते हैं और आप सभी स्टेक होल्डर्स से, जो भी संबद्ध पक्ष है, सभी से सलाह लीजिए और फिर प्रेस नियमावली आप जारी कीजिए। तो वह जो नियमावली थी उसको ड्राफ्ट रूल मानते हुए और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो फिर सरकार ने सुझाव मांगा, हम लोगों ने सुझाव दिया सरकार को। अब मामला था कि बहाली होनी थी प्राइमरी स्कूल में, 1-5 वाले स्कूल में होनी थी बहाली, लेकिन जब ये नियमावली जो फिर जब नए सिरे से जब जारी की गई तो यह नियमावली आ गई 1-8 की नियमावली। अब तो सारे लोग हतप्रभ हैं, अब तो हम लोग अब यह सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये तो ठीक उसी प्रकार से है कि जब कोई आदमी अपने लड़का की शादी करता है तो लड़की देखने जाता है, तो धूर्त आदमी होता है वह खराब लड़की को दिखा करके और बाद में अच्छी लड़की को दिखा करके और बाद में खराब लड़की से शादी कर देता है। तो लड़की बदल दिया, इधर नियमावलियाँ बदल गई, ये क्या हो गया? नियमावली जो आई थी वो नियमावली थी कि 1-5 का हेडमास्टर बनाना था, अभी कह रहा 1-8 का हेडमास्टर बनेगा। ये तो हमको समझ में नहीं रहा, शिक्षा विभाग का सारा पदाधिकारी तो वो क्या हो गया है? ये नियमावली में हाईकोर्ट में आप कहे पहले जो आप जारी किए तो कहे कि 1-5, अब जो नियमावली जब हाईकोर्ट जब इंटरफेयर कर दिया तो उसी नियमावली को आपको जब लाना था तो क्या सुझाव कोई मास्टर दिया था कि आप उसको 1-8 कर दीजिए? और 1-8 कर सकते थे, यह बिल्कुल गलत नियमावली है। क्यों गलत है? क्योंकि 1-5 के स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में पहले से प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का कोई पद नहीं था, तो ये नया पद सरकार अगर सृजित करती है तो ये ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 6-8 का जो स्कूल है, जहाँ पर मिडिल स्कूल है, उस मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद पहले से रहा है और ये जो पद थे ये प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद थे, इन पदों पर सीधे बहाली नहीं की जा सकती है। लेकिन सरकार ने तो सीधे रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया। ये हम आपको बताते हैं, ये नियमावली 2020 है, ये 2020 नियमावली है। और 2020 नियमावली को यदि पढ़िएगा तो 2020 नियमावली में खंडिका 4 में लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय का मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के फलस्वरूप पंचायत द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षक स्वतः प्रखंड शिक्षक की प्रासंगिक श्रेणी में आ जाएंगे और उनका नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। और इसी में आगे लिखा है कि मध्य विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण होने के बावजूद कक्षा 1-8 तक के लिए नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन ही रहेगा। तो एक बात तो इसमें लिख दिया कि जो 1-8 की पढ़ाई है वह पंचायत समिति के अधीन है, मतलब पंचायती राज के अधीन है। तो पंचायती राज के अधीन जो विद्यालय है, नियमतः इस विद्यालय में शिक्षा विभाग को बहाली का कोई अधिकार नहीं है। ये जो भी बहाली हुई है शिक्षा विभाग के द्वारा, या इनको राइट नहीं था। और इसी के कंडिका आपको कंडिका 5-3 में लिखा हुआ है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में मध्य विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। यह स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि 1-8 जो ये कह रहे हैं, जो मिडिल स्कूल है, उस मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक के जो पद हैं वो सारे पद, प्रधान अध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। ये खुद उन्हीं की नियमावली में है, देख लीजिए ये क्या हो रहा है बिहार में। जब खुद बिहार सरकार ने नियमावली बनाई और कह दिया कि मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक के सारे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, तो जब जो सारे पोस्ट प्रमोशनल पोस्ट हैं तो वंस द पोस्ट आर डिक्लेयर्ड प्रमोशनल पोस्ट, तो फिर उस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला बन गया। और आपको बता दें कि आगे हम लोगों ने केस किया था, उस केस में था कि हमको प्रमोशन दीजिए, तो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का जो केस था उस केस में इन्होंने कहा था कि हम इनको प्रमोशन
प्रमोशन दे देंगे, तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड वाले को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन देना था। इसमें और भी संगठन के द्वारा केस किया गया था, उस केस में बजाबता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो स्नातक ग्रेड में उनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति दे दीजिए। तो आपको हाईकोर्ट कहा प्रमोशन देने के लिए, तो आप प्रमोशन नहीं दीजिएगा, आप विशिष्ट शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा कबड्डी कबड्डी खेलिएगा। आई क्या कर रहे हैं, प्रमोशन देना था तो प्रमोशन नहीं दिए और अभी कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं कि ना आप डायरेक्ट बहाली करेंगे। हाईकोर्ट को सुपरसीड कर रहे हैं, हाईकोर्ट को आप सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। और इसी मामले को लेकर टीम परिवर्तनकारी की ओर से केस दायर किया गया है और उस केस में हमारे मुजफ्फरपुर जिला के महासचिव हिमांशु शेखर जी पिटिशनर हैं और एक केस संगठन की ओर से परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से भी केस है। तो हमारी जो पूरी टीम है वह माननीय उच्च न्यायालय में है और कल चीफ जस्टिस के बेंच में माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुनवाई की जानी है। कल 27 नंबर पर हमारा केस लिस्टेड है और कल हम इन चीज़ों को वहाँ पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखेंगे कि बिहार सरकार मनमाने तरीके से प्रधानाध्यापक के पद पर, प्रधान शिक्षक के पद पर जो बहाली करने जा रही है, या बिल्कुल बहाली गलत है। पहले हमारा प्रमोशन दो और उसके बाद जो बहाली करना है बहाली करो, लेकिन पहले हमको प्रमोशन देना होगा। अगर आप हमको प्रमोशन नहीं दीजिएगा, हाईकोर्ट फैसला देगा और आप उसको सुपरसीड करिएगा तो आपको अदालत में हम लाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक सीधी बहाली आपको नहीं करने देंगे। कल इसी बात की लड़ाई है और चीफ जस्टिस के कोर्ट में सुनवाई होनी है। तमाम शिक्षक साथियों से मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी लोग इसी प्रकार से हौसला हिम्मत बनाए रखें, हम लोग लड़ाई को जीतेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से ये बात सुनी, जो हमारे छात्र नेता बंसीधर जी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बात कही है कि भाई जो प्रमोशन था वो कहा गया था कि नियुक्त शिक्षकों का सीधे प्रमोशन होगा और अब कहीं ना कहीं नियमावली जो है उसमें संशोधन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि परीक्षा के माध्यम से हेडमास्टर की बहाली होगी। अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से नया पैंच जो है वो सामने आया है और स्पष्ट रूप से अब मांग जो है वो तेज़ होती जा रही है। अब तो फ्यूचर में क्या कुछ होगा ये तो खैर पटना हाई कोर्ट ही बताएगा, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी अब सुप्रीम पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ होता है। आज अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ेंगे पटना हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट से आज जो है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत और जीत जो है वो मिल सकती है। अब क्या कुछ होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बात तो क्लियर हो चुकी है ये कि जो भी हमारे भाई नियोजित शिक्षक हैं उनको आज कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है बड़ी राहत और बड़ा जो है फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। तो क्या कुछ होगा ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। हमें दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।